खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको कुर्ती में कटोरी लगाना बताऊंगी। तो मैं ये आपको बहुत ही इजी तरीके से कटोरी लगाना बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने ये इन कटोरियों में प्लस का निशान लगा लिया है, ऐसे मोड़ा और यहाँ पे निशान लगा लिया, और फिर हमने ऐसे मोड़ा, यहाँ पे निशान लगा लिया। इस तरीके से मैंने दोनों कटोरियों में प्लस का निशान लगा लिया है, और यहाँ पे कुर्ती में मैंने प्लेटों के निशान लगा लिए हैं। जैसे हम सिंपल प्लेट का निशान, एक तो जैसे ये वाला लगाते हैं सीधा, और एक ये यहाँ तिरछे वाला लगाते हैं जो कमर की तरफ आता है, और एक ये जो आर्म होल की तरफ जाता है। तो इस निशान को हमने छोड़ दिया बीच में, और इस निशान को इस निशान से ऐसे गोलाई में मिला दिया है। ये प्लेट हमें नहीं डालनी है। तो देखिए, मैंने अस्तर में भी प्लस का निशान लगा लिया है। यहाँ पे हम कटोरी अटैच करेंगे। जैसे इस तरीके से सीधी है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, उल्टी साइड से इसको मोड़ेंगे, और इसका जो ये प्लस वाला निशान है, इसको हम ऐसे अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे, और यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सीधी वाली सिलाई लगा ली है। अब इस प्लस वाले निशान को यहाँ पे मिलाएंगे, और इसको इस तरीके से गोलाई में सील लेंगे। तो एक कटोरी मैंने सील ली है, इस तरीके से सील ली है मैंने। पहले मैंने सीधी वाली सिलाई लगाई, और फिर मैंने ये गोलाई वाली सिलाई लगा ली। इसी तरीके से मैं दूसरी कटोरी यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैंने अस्तर में दोनों कटोरियाँ अटैच कर ली है, इस साइड से इस तरीके से लगी है ये, और इस साइड से ऐसे। तो ये तो कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ कि जैसे हमने इसमें ये निशान लगा के रखा है ये वाला, तो इसको हम कैसे सिल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें उसी तरीके की सिलाई लगानी है जैसे हम प्लेट डालते हैं कुर्ती में। और यहाँ से जैसे बाहर नहीं निकालना है, तो हमने जो ये निशान ऐसे मिलाया है, इस निशान के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे गोलाई से। इस तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगाई है, और इसी सेम तरीके से मैं इस साइड भी सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने कुर्ती के दोनों साइड ये प्लेटों वाली सिलाई लगा ली है। ये सिलाई मैंने इकट्ठी लगाई है, यहाँ से अलग नहीं की है। तो अब देखिए, अब हमें कुर्ती और अस्तर अटैच करने के लिए इसका गला बनाना होगा, तो आप अपने हिसाब से गला बना सकते हैं, लेकिन मैं ये गला इस तरीके से बना रही हूँ। इसका वीडियो आपको देखना है तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको कटोरी के बारे में आगे की बात बताऊँगी। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, तो यहाँ पे हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये कटोरियाँ जो अटैच की है, इसका निशान हम देख लेते हैं कि ये बीच में जैसे
बिल्कुल बीच में होना चाहिए यहाँ पे, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हिलेगा नहीं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से कुर्ती में कटोरी लगाई है, इसकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और इसमें हमें ब्रा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती में कटोरी लगा सकते हैं। यहाँ से फिटिंग करने के बाद इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कटोरी लगाई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।